अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम आपके सामने एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव वर्बल क्वेश्चंस पेश कर रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के वर्बल क्वेश्चंस हैं। हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हम शुरुआत में सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं तो वर्बल क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस का वर्बल क्वेश्चन है, मैं ब्रशिंग माई टीथ। अब मैं इसका तर्जुमा नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने सामने लिखा हुआ है। इसका पैसिव वॉइस, आर माई टीथ बींग ब्रश्ड। एक्चुअली माई टीथ आर बींग ब्रश्ड, ये जो है आई एम ब्रशिंग माई टीथ का पैसिव वॉइस था। माई टीथ आर बींग ब्रश्ड में से माई को हमने, आर को हमने पहले ले लिया, तो आर माई टीथ बींग ब्रश्ड, ये हमारा वर्बल क्वेश्चन हुआ। मतलब होगा, क्या मेरे दांत ब्रश किए जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस, आर दे ईटिंग एप्पल्स। पैसिव वॉइस इसका, आर एप्पल्स बींग ईटन। एक्टिव वॉइस, इज ही कटिंग टमेटोज। पैसिव वॉइस, आर टमेटोज बींग कट। इसके बाद में अगला, इज शी कुकिंग पोटेटोज। एक्टिव वॉइस है इसका, पैसिव वॉइस होगा, आर पोटैटोज बीइंग कुक्ड। फिर एक्टिव वॉइस है, आर वी प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, सब में अब तक आर आर जो है पैसिव वॉइस में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था, क्योंकि सारे जो ऑब्जेक्ट जिनको हमने सब्जेक्ट बनाया था प्लुरल थे। लेकिन अब जो है क्रिकेट प्लुरल नहीं है बल्कि सिंगुलर है, तो इस क्रिकेट बीइंग प्लेड, यानी क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, इसका पैसिव वॉइस इस क्रिकेट बीइंग प्लेड। इसके बाद में, आर उस्मान एंड हसन वाचिंग टेलीविजन। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस इज टेलीविजन बीइंग वॉच्ड। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपके लिए कारामत होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करने की रिक्वेस्ट के साथ बहुत सच चाहते हैं। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।